नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की। राजकोट में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने इंग्लैंड को 445 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मात्र दो विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिया है। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट 133 और जो रूट 9 रन बनाकर नाबाद हैं। पहले दिन भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन रहा था। भारत ने आगे खेलते हुए कुल 445 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने दूसरे दिन की अपनी पहली पारी में काफी तेजी से रन बनाए। बेन डकेट ने महज 88 गेंदों में ही शतक लगाया और लगभग 6 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड टीम को पहला झटका देकर अपने टेस्ट कैरियर का 500 विकेट भी पूरे किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने ओली पॉप को 39 रनों के स्कोर पर LBW कर आउट किया। और दूसरा दिन खत्म होते होते तक इंग्लैंड की टीम भारत से मात्र 238 रन ही पीछे रही है। आपको बता दें कि ये इंडिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक अहम हिस्सा है और दोनों ही टीमें इस 5 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।